ओ भाई, क्या हुआ भाई? बहुत मजा आ रहा है भाई। भाई ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाँ भाई, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। भाई ऐसा मत करा करो यार, अपनी माँ अपना घर पे इंतजार करती है। हट गए, मैं तो ऐसा ही करूँगा। भाई सुन तो सही मेरी बात। अबे तेरे बाप की ट्रेन है भैया। सुन मेरे भाई, मेरे बाप की ट्रेन नहीं है, मैं भी ऐसी करता था। और एक दिन पहुंचने वाला हूँ, आने वाला हूँ हमें। हाँ भाई, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ भाई? भाई फिर ऐसा हुआ, मैं मेरी माँ को रोता हुआ छोड़ के चले गए इस दुनिया में। पापा मैंने मशीन ऑर्डर कर दिया, आपको इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बेटा मशीन तो बहुत महंगी आएगी, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पापा अपन छोटा लिए गाड़ी बेच देंगे, और जब अपना काम चलेगा तो उसको और दिला देंगे गाड़ी। बेटा उसकी गाड़ी नहीं बेचते, वो नाराज होगा, गुस्सा करेगा तुझ पर। पापा ये कौन सी बात है, वो नाराज होगा? अपने बुरे वक्त में काम लेंगे तो कब आएगी उसकी गाड़ी काम में? नहीं नहीं, उसे कॉलेज जाने में तकलीफ होगी, मैं थोड़े दिन और तकलीफ उठा लूंगा। तूने जो मशीन ऑर्डर किया ना, उसे कैंसिल कर दे अभी। अरे यार पापा, आप तो ना ठीक ही कैंसिल कर देता हूँ। यार मेरे पापा धूप में कितनी मेहनत करते हैं। अरे भाई मशीन कैंसिल मत करो, बुला लो उसको। बेटा फिर तुझे कॉलेज जाने में तकलीफ आएगी, नहीं तो एक काम कर, मशीन को कैंसिल कर दे। नहीं पापा, मशीन आने दो, आप बहुत मेहनत करते हो, मुझसे देखते नहीं बनता है। आपका काम आसान होगा। वाह यार बेटा, बहुत खुश हुआ मैं, तेरे जैसी औलाद हर बाप को दल्ला। इस दौर में ऐसी औलादे बड़े नसीब वालों के यहाँ होती है। पापा अब यही बैठना, मैं रूम की बात करके आ रहा हूँ, ठीक है? फिर अपन यही रुकेंगे। पापा चलो, रूम हो गया, आ जाओ आप। ठीक है सर, आप मेरे पापा को रूम वगैरह बता दीजिए। ठीक है पापा, आप रूम में भेजिए, मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ, ठीक है? बाप से छुटकारा मिला। नमस्ते नमस्ते, आइए। सर वो मैंने आपको कॉल करा था, मैंने अपने पापा के बारे में बताया था, तो मैं अपने पापा को साथ में लेके आया हूँ। आपके विद्याश्रम में उनको रखना था, उनकी जो भी फॉर्मेलिटी है आप मुझे बता दो तो अपन पूरी कर लेते हैं। हाँ ठीक है, आप एक काम कीजिए, अपना आधार कार्ड दे दीजिए, अपने पिताजी का आधार कार्ड दे दीजिए, और 51 रुपए जमा करा दीजिए। सर ये मेरा आधार कार्ड, ये मेरे पापा का आधार कार्ड, ये 51 रुपए। चलो ठीक है, पापा कहाँ हैं आपके? सर वो बैठे। हेलो, सुन लो आज तो तुम अपने बाप को छोड़ के आने। हाँ, तुम्हारे साथ नहीं होंगे। मैंने अब नहीं रहेंगे वो अपने साथ में। बस आखिर औलाद अपने बाप के साथ ऐसा क्यों करती है? अरे यार ये साहब जी के तो रोज की नाटक है ये। एक आध दिन इस बाप को तो जान से मार डालूंगा। साहब जी मैं आपको रोज देखता हूँ, बाबूजी को मारते हो। साहब जी मत मारा करो, साहब जी आपके पापा है। साहब जी वो भग साले। साहब जी आप बाबूजी को मार के बहुत बुरा करते हो। साहब जी आपसे देखना भगवान कभी खुश नहीं रहेगा। अबे तू नौकर है, नौकर जैसा रहा कर। अभी इन बाप बेटों का तो रोज का नाटक है। अबे यहाँ तो रोज नई पिक्चर देखने को मिलती है वाले घर से। सही बोल रहा भाई, इनका तो रोज का नाटक है। साहब जी आप ये अच्छा नहीं करते हो। अबे रामू तू भी ऐसा काम छोड़ता क्यों नहीं? भैया आपने देखा वो कितना मारे बाबू जी को। रामू उसका बाप उसी लायक है, उसकी करनी ऐसी है। भैया मतलब? मतलब ये रामू आज जो इसकी औलाद इसके साथ कर रही है, इसके बाप ने अपने बाप के साथ कर चुका है ऐसा। अच्छा भैया मैं समझ गया, वही ना जैसी करनी वैसी भरनी। मेरी बात से सहमत हो तो लाइक जरूर करें वीडियो को। हाँ सर आपने मुझे बुलाया था। माजिद अली आपने जो 2 अजूबे बनाए मुझे बहुत पसंद आए, और अब मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, ये जितनी भी झोपड़पट्टी दिख रही है इसे हटवाए और 5 अजूबे और बनवाए। सर झोपड़पट्टी वाले नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे 1 महीने में 5 अजूबे तैयार चाहिए, नहीं तो आप नौकरी से हाथ धो बैठोगे। ठीक है सर मैं करवा देता हूँ। ठीक है भैया, मुझे साहब जी से मिलना है, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, अंदर जान दो। क्या तुझे पता नहीं यहाँ पर गरीबों की एंट्री नहीं है? चल निकल यहाँ से।
अरे मुबारक के लिए जान दे, मैं जानता हूँ ये साहब जी के घर में काम करते। ठीक है सागर, जान देता हूँ। मालिक आपने क्या सोच के हम गरीबों के मकान तोड़ने की परमिशन दी, हम कहाँ जाएंगे? अच्छा तू भी गरीब बस्ती में रहता है, वो तो टूटेगी क्योंकि मुझे 5 अजूबे और बनवाना है। हमारा आसियाना तोड़ के आप 5 अजूबे बनवा रहे हो, ऐसी काकी इंसानियत है? साहब जी इतनी जगह बची हुई फिर भी आप गरीब बस्ती में बना रहे हो, उनकी बदुआ से आपके पूरा आसियाना गिर जाएंगे। हाँ यार बेटे तूने मेरी आँख खोल दी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा तुम लोगों के साथ में। काम अभी के अभी रोक दो। ठीक है सर।